हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपना ख़राब SMPS कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक SMPS है जो कि ख़राब है, ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। क्योंकि ये ख़राब है और पावर ऑन नहीं हो रहा है तो हमारा कंप्यूटर भी इसी तरह से ऑन नहीं हो रहा है। इस वीडियो में आपको ये सही करके दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने इस SMPS के नट हटा के इसे खोल लिया है और मैंने इसके 20 पिन के कनेक्टर में ग्रीन और ब्लैक पिन को शॉर्ट कर दिया है। अब मैं पावर के लिए स्विच ऑन करती हूँ। मैंने स्विच से पावर ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं मैंने पिन को भी शॉर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी इस SMPS का पंखा नहीं घूम रहा है। गाइस, जो भी SMPS सही होता है उसका पंखा ज़रूर घूमता है, और जब ये SMPS हमारे CPU कैबिनेट में लगा था तभी भी कंप्यूटर पावर ऑन नहीं हो रहा था। मतलब कि ये SMPS पूरी तरह से फॉल्टी है। गाइस, मैं इसका पंखा घुमा के दिखाती हूँ, ये पंखा जाम नहीं है। अब मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ और इसका पावर केबल निकाल देती हूँ। तो मैंने पावर केबल भी निकाल दी है। अब हम एक मल्टीमीटर लेंगे, इससे हम SMPS को चेक करेंगे। मैंने मल्टीमीटर को बजर पे सेट कर दिया है ताकि हम चेक कर पाएँ इसकी कंटिन्यूटी। तो हमने मल्टीमीटर की लीड्स को कनेक्ट करके कंटिन्यूटी चेक कर लिया है। बीप की साउंड आ रही है। गाइस, SMPS में एक फ्यूज़ होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके SMPS में पावर नहीं आ रहा है तो इसका एक मुख्य कारण होता है कि आपका जो SMPS में फ्यूज़ है वो उड़ गया है। तो अगर मैं फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक करूँ तो आप देख सकते हैं बीप की साउंड नहीं आ रही है अभी। फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की लीड्स को फ्यूज़ पे रखना होता है। क्योंकि गाइस ये फ्यूज़ ख़राब है तो हमें कोई भी बीप की साउंड नहीं आ रही है। मैंने इस SMPS के बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। गाइस, जो फ्यूज़ है वो इस PCB पे लगा हुआ है। तो गाइस, मैं आपको PCB पे भी फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक करके दिखाती हूँ। तो अगर आप फ्यूज़ को PCB पे देखते हैं तो ये दो पॉइंट हैं जिन्हें हमें टेस्ट करना है। मैंने मल्टीमीटर्स की लीड्स को दोनों पॉइंट पे टच कर दिया है, लेकिन कोई भी बीप की साउंड नहीं आ रही है हमें। तो गाइस, आपने देखा फ्यूज़ की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब कि फ्यूज़ ख़राब है। अगर आपके पास कोई दूसरा फ्यूज़ है तो आप उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइस, अभी मेरे पास कोई भी फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, तो मैं एक तार को ही फ्यूज़ की तरह इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। तो इसके लिए हमें एक पतली सी वायर ढूँढ लेनी है। गाइस, हमने एक पतली सी वायर ले लिया, आप देख सकते हैं। गाइस, जो हमारा फ्यूज़ का वायर होता है वो बहुत ही पतला होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी वायर ना लेके उसमें से थोड़ा सा वायर ले लिया है। तो हमें इस वायर को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हम इसी को PCB पर लगाएंगे। हमें इसको दोनों पॉइंट्स पे जोड़ देना है। इसके लिए हमें एक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी और सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग पेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सोल्डरिंग करने के लिए हमें PCB को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है अच्छे से। तो गाइस, मैंने एक सोल्डरिंग आयरन ले लिया है, हीट हो रहा है ये अभी, ये देख सकते हैं हीट हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। सोल्डरिंग वायर ले लेनी है। सोल्डरिंग वायर को हमें सोल्डरिंग आयरन पे लगाना है ताकि सोल्डरिंग अच्छी हो सके। हमने फ्यूज़ के लिए बहुत ही पतली वायर ले ली है। इस फ्यूज़ वाली वायर को हमें सोल्डरिंग पेस्ट पे लगाना है ताकि सोल्डरिंग अच्छे से पकड़ सके। अब हम फ्यूज़ के दोनों पॉइंट्स पे इस वायर को रख के सोल्डरिंग आयरन को लगा देंगे और सोल्डरिंग कर देंगे इसकी।
हो सकता है पहली बारी में इस होल्डिंग ना पकड़े, तो आपको इसके लिए बार बार ट्राई कर लेना है। और ध्यान रहे जो आप सोल्डरिंग कर रहे हो उनका जॉइंट्स जो हो वो बहुत ही मजबूत हो, ताकि वो जल्दी से हटे ना। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस वायर की अच्छे से सोल्डरिंग कर दी है, ये दोनों पॉइंट्स से बहुत ही अच्छे से जॉइंट हो गई है। और जो फालतू पार्ट है वो हमें काट देना है क्लिपर की सहायता से। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा हमने जुगाड़ करके एक फ्यूज़ बना लिया है अच्छे से। अब हमें इस फ्यूज़ को चेक कर लेना है मल्टीमीटर की सहायता से। अब मैं मल्टीमीटर की दोनों लीड्स को फ्यूज़ के दोनों पॉइंट्स पे लगाती हूँ। अब अगर मैं मल्टीमीटर की लीड्स को फ्यूज़ पे रखती हूँ तो आप देख सकते हैं अब बीप की साउंड आ रही है। तो गाइज आपने देखा हमने फ्यूज़ को ठीक कर लिया है। एज अ प्रिकॉशन जहाँ हम अपना पावर केबल डालते हैं वहाँ पे हमें चेक कर लेना है कोई केबल शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। हाँ तो मैंने चेक कर लिया कोई भी शॉर्टेज नहीं हो रही है। अब हमें पीसीबी को बॉक्स में पैक कर देना है। स्क्रू लगा के टाइट कर देना है। गाइस अब हम पावर केबल को कनेक्ट करके एसएमपीएस को चेक करेंगे। मैंने पावर केबल लगा दी है, अब मैं स्विच ऑन करती हूँ। अब आप देख सकते हैं एसएमपीएस का फ़ैन रोटेट होने लग गया है, जो कि पहले नहीं घूम रहा था, मतलब कि एसएमपीएस सही हो चुका है। और गाइस इसके अलावा पिंस पे मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक कर लेना है। गाइस इसके लिए मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं हमारी। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने सारी वोल्टेज भी चेक कर ली है, वोल्टेज सारी सही आ रही है, मतलब कि ये एसएमपीएस पूरी तरीके से सही हो चुका है और हम अपने कैबिनेट में लगा सकते हैं। तो गाइज़ ये था पूरा वीडियो कि हम अपने ख़राब एसएमपीएस को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।